हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में। और हमने लेज़र टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों, और आज हम पढ़ेंगे रूबी लेज़र। तो लेज़र क्या है? दैट इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, लेज़र के बारे में पढ़ा था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और जो हमने मतलब आइंस्टाइन कॉफिशेंट्स हमने कैलकुलेट किए थे और उनके बीच में रिलेशनशिप भी कैलकुलेट किया था। और हमने ये पता किया था कि स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी कब ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली हैं, आप हमारे मतलब लास्ट वीडियो जब में जाके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ तो रूबी लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो रूबी लेज़र है वो फर्स्ट लेज़र जो है वो मेमन, टी मेमन ने इज इन 1960 में ये एक जो है वो एक लेज़र दिया, जिससे मतलब एक लेज़र को डेवलप किया जो कि वर्किंग में था। तो फर्स्ट लेज़र मतलब कि 1916 और 17 में जाके मतलब आइंस्टाइन ने स्टिम्युलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद 1960 में टी मेमन ने ये रूबी लेज़र को डेवलप किया, फर्स्ट वर्किंग लेज़र था। और इसका ये बेसिकली कौन सा है, ये बेसिकली सॉलिड स्टेट लेज़र है, दैट इज सॉलिड स्टेट लेज़र, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द थ्री लेवल लेज़र। और ये बेसिकली इसको पल्स लेज़र भी बोलते हैं बच्चों, पल्स लेज़र। तो आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, व्हाट इज रूबी लेज़र, व्हाट इज सॉलिड स्टेट लेज़र, व्हाट इज थ्री लेवल लेज़र, एंड व्हाट इज पल्स पल्स लेज़र, ठीक है। तो इसमें जो है वो आउटपुट जो है वो पल्स की फॉर्म में आती है बच्चों, ये ध्यान रखना। और ये थ्री लेवल है और सॉलिड स्टेट लेज़र है। तो लेज़र को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो पहले हम बात करते हैं कि लेज़र को डिज़ाइन करने के लिए हमें तीन कंपोनेंट हमने बात की थी। एक तो बच्चों पंपिंग है, सेकंड है एक्टिव मीडियम है, और थर्ड जो है वो बेसिकली क्या है, रेजोनेटर कैविटी है। तो ये बेसिकली एक्टिव मटेरियल जो है वो बेसिकली क्या है, रूबी रॉड। ये रूबी रॉड है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, रेड कलर मतलब पिंक टू रेड कलर, इसको पिंक कलर क्या है बच्चों है, ठीक है। और रूबी रॉड जो है इट इज सिंथेटिक सेफायर या एल्युमिनियम ऑक्साइड डॉप्ड विद क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 बाई 0.05%। और इसमें जो 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, और कूलिंग मैकेनिज्म में हम 77 केल्विन लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट इसके अंदर जनरेट होती है, इस वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों। अब यहाँ पे ये जो रूबी रॉड है, तो यहाँ पे हम एक्टिव मीडियम की हम बात करें, तो एक्टिव मीडियम में क्या होना चाहिए बच्चों लेजर बनाने के लिए, मेटास्टेबल स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग चाहिए, मेटास्टेबल स्टेट होती होगी, और जिसका कि एटम जो 10^-3 सेकंड जो वो स्टे रहे, ठीक है, मतलब जिसकी वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन हो और लेजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो, लेजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस केस में क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते लेज़र, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या है, मेटास्टेबल स्टेट नहीं है, पर क्रोमियम आयन जो है दैट इज 0.05%, वो क्रोमियम आयन जो है वो बेसिकली मेटास्टेबल स्टेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और यदि हाफ ऑफ द क्रोमियम आयन जो है यदि मेटास्टेबल स्टेट पे होंगे तो स्टिम्युलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्टिव मीडियम की, एक्टिव मीडियम तो क्लियर हो गया। अब सेकंड हम बात करते हैं इसमें जो पंपिंग मैकेनिज्म,
पंपिंग मैकेनिज्म। सो पंपिंग मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली क्या है, ज़ीनॉन फ्लैश ट्यूब है, दैट इज द फ्लैश ऑफ फ्यू मिली सेकंड की है, और ये ज़ीओन लैंप ये फ्लैश जो है वो क्या करती है, दैट इज 550 नैनोमीटर की ये फ्लैश देती है बच्चों। देखिए 550 नैनोमीटर वेवलेंथ का ये फ्लैश देगी, दैट इज ज़ीओन फ्लैश ट्यूब, और इसमें जो है वो कूलिंग मैकेनिज्म है, और ये स्प्लाई हमने दे रखी है, और ये फ्लैश प्रोवाइड कराता था कुछ कुछ मिली सेकेंड में। ठीक है, अब जो सेकेंड जो थर्ड है वो है रेजोनेटर कैविटी, रेजोनेटर कैविटी पॉलिश, इसका एक जो पार्ट है वो पॉलिश किया गया, फुली पॉलिश्ड, और ये है हाफ पॉलिश्ड। तो ये बेसिकली एक रेजोनेटर कैविटी का काम करता है, और इसमें एक स्टैंडिंग बे बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये कैविटी, ये जो लेंथ है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दैट इज बेसिकली जो इसकी विड्थ है, सो लेंथ ऑफ द रोड इज इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, इसकी जो रूबी की लेंथ है, ताकि स्टैंडिंग बेम बने। ठीक है बच्चों, नाउ द रेजोनेटर कैविटी तो हमें पता चल गई, एक जो पोर्शन है वो फुली पॉलिश्ड, एंड अनदर इज वन ये, और सेकेंड इज हाफ पॉलिश्ड, हाफ पॉलिश्ड। ठीक है, तो हाफ फुली पॉलिश एंड द हाफ पॉलिश, तो ये तीन जो है वो आपको एज इट इज आपको लिखने है कि मैकेनिज्म क्या है। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें प्रोसेस क्या है, जैसे ही ज़ीओन फ्लैश ट्यूब ने अपना एक फ्लैश दिया, एनर्जी स्टेट क्या होगा बच्चों, एटम जो कि रूबी लेजर के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और जो क्रोमियम का जो मेटास्टेबल, जो क्रोमियम आयन है वो अपने एक मेटास्टेबल स्टेट में आएगा, और मेटास्टेबल स्टेट आने के बाद क्या करेगा, वो लेजर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक फोटोन से दो फोटोन, और एम्पलीफिकेशन वाला जो पर्पस है वो ये जो रेजोनेटर कैविटी जो फुलफिल करेगी। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टेट्स की, तो पहले हम ये फर्स्ट स्टेट, दैट इज द ग्राउंड स्टेट, दैट इज द एक्साइटेड स्टेट, दैट इज E2, एंड दिस इज योर मेटास्टेबल स्टेट। ये जो क्रोमियम आयन का है, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, इट इज मेटास्टेबल ऑफ 10 की माइनस 3 सेकेंड, और जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है 10 की माइनस 8 सेकेंड। तो जैसे ही 550 नैनोमीटर का फ्लैश गई, फ्लैश ज़ीओन फ्लैश ट्यूब से फ्लैश गई, आपने यहाँ पे स्प्लाई बच्चों दे रखी है, तो एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से क्रोमियम क्या जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जब वो, और जब एक्साइटेड स्टेट में यहां से एटम्स ऊपर जाएंगे बच्चों, ठीक है, देन इट कम बैक टू दिस मेटास्टेबल स्टेट, और कुछ जो एटम है वो क्या है बच्चों, कुछ जो एटम है वो स्पॉन्टेनियस भी होंगे, कुछ जो है वो स्टिमुलेट, मतलब कुछ स्पॉन्टेनियसली जो है वो एनर्जी क्या करेंगे, जो है वो रिलीज करेंगे, और कुछ एटम जो है वो मेटास्टेबल स्टेट पे चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एटम बच्चों आ गए, ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस मेटास्टेबल स्टेट 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हायर एक्साइटेड स्टेट की है। ठीक है, नाउ अब क्या होगा कि जो एटम जो स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो फोटोन एमिट होगा वो क्या करेगा बच्चों, इसको इस एटम को स्टिमुलेट करेगा, मतलब इन्फ्लुएंस करके जो है वो एक फोटोन से दो फोटोन बना देगा। ठीक है, तो वन फोटोन से टू फोटोन जो है वो बन गए। अब क्या हुआ कि एक फोटोन था, और जो कि इस तरीके से अब यहां पे वन फोटोन है,
अब वन फोटोन क्या करेगा, ये जो मैटर स्टेबल स्टेट पे क्रोमियम है उसको इन्फ्लुएंस करके दो फोटोन बना देगा। अब ये दो फोटोन इस ये जो हाफ पॉलिश पोर्शन वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा और टू फोटोन जो है अगेन फोर फोटोन को, वन टू थ्री फोर, फोर फोटोन को क्या करेगा, स्टिमुलेटेड एमिशन करवा देगा। अब फोर फोटोन वन से टू एंड दैट इज टू से अगेन इट इज फोर, टू से फोर, और जब फोर इस फुली पॉलिश में आएंगे तो फोर जो होंगे वो जब वापिस जाएंगे रिफ्लेक्ट बैक तो एक एटम को इन्फ्लुएंस करेंगे और एक बीम ऑफ लाइट 694 नैनोमीटर रेड कलर का लेजर बीम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहां से फ्लैश दिया, एटम ऊपर गए कौन से वाले, क्रोमियम, फिर वो मेटास्टेबल स्टेट पे आए, फिर एक फोटोन जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो आया वो फोटोन क्या करेगा, इसको इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब एक फोटोन इसको इन्फ्लुएंस करेगा तो एक से दो फोटोन बनेंगे, फिर दो फोटोन दो और को इन्फ्लुएंस जब वापिस आएंगे रिफ्लेक्ट बैक तो दो और एटम को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करके उनको लोअर स्टेट में जब आएंगे तो एक फोर फोटोन जनरेट करेंगे, फोर से एट, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं एम्पलीफिकेशन, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन। तो ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन का काम कौन कर रहा है, रेजोनेटर कैविटी का, और एक फोटोन से दो में कौन कर रहा है, वो कर रहा है ये मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कौन सी पल्स होगी, इसमें जो पल्स जनरेट होगी वैसे जो जो बीम होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पल्स। अब इसमें है क्योंकि ये थ्री लेवल लेजर है तो थ्री लेवल लेजर में जब एटम यहां से नीचे आएंगे बच्चों, लेजर प्रोड्यूस करके यहां आएंगे फिर देन अगेन गो, जैसे फ्लैश करके फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक फ्लैश आउट देते रहोगे। पर आपको तो जो ये क्योंकि जो मेटास्टेबल स्टेट है जो लेजिंग प्रोसेस है इन दो स्टेट के बीच में है तो इसलिए जो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाती है। इसका अल्टरनेट हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन में जहां हम फोर लेवल लेजर की बात करते हैं। ठीक है, तो थ्री लेवल लेजर में यही ड्रॉबैक है कि ग्राउंड स्टेट के साथ लेजिंग का जो स्टेट एंड स्टेट वो कनेक्टेड है तो इसलिए बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है तो अभी कूलिंग मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई करना पड़ता है ताकि कोई ब्लास्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है इसलिए ये जो रूबी लेजर है वो कॉस्टली है। ठीक है, और एक और यह है कि ये जो पल्स देता है वो बेसिकली फ्लैश की फॉर्म में देता है क्योंकि जब ये फ्लैश कुछ मिलीसेकंड में ऑफ ऑन होगी, जब वो ऑफ होगी तब तक जो है वो लेजिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर लेजिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो रूबी लेजर की ड्रॉबैक क्या है, वो हमेशा आती है बिकॉज इसमें कूलिंग हमें एक सिस्टम चाहिए जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। सेकेंड हमें ये बोलता है कि ये पल्स की फॉर्म में लेजर देता है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जब आप एग्जाम में आएगा तो आपको सारी चीजें जो मेंशन करनी पड़ेगी और बिल्कुल अच्छे से इस डायग्राम को आपने प्लॉट करना और इस एनर्जी डायग्राम को बिल्कुल आपको समझाना है बच्चों एक एक चीज करके। ठीक है, तो बीम ऑफ लेजर जो रेड लाइट 694 नैनोमीटर का हमें यहां पर लेजर जो वो मिल जाएगा। ठीक है, नाउ ये तो था थ्री लेवल लेजर, तो नेक्स्ट हम वीडियो में फोर लेवल लेजर की बात करेंगे, दैट इज द हीलियम नियॉन लेजर और वो एक कंटिन्यूस पल्स देता है। ठीक है, जो जो कि हमारा बच्चों जो बार कोड मतलब रीडर है लेजर आप यूज देखते हैं वो बेसिकली हीलियम नियॉन लेजर और लैब में भी हमारे मतलब मैक्सिमम लैब में अवेलेबल होता है। सो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।